हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए यहां पर एक चैनल आपके लिए ओपन किया गया है तो यहां पर जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ट्रेडिंग दिल से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा एज वेल एज आप हमारे होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चैनल दिख जाएगा यहाँ पर डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियो एज वेल एज कल तो नहीं बना पाया था कल क्योंकि चैनल ही क्रिएट करने और ये सब में बहुत टाइम लग गया था दो तीन दिन से इसी में लगा हुआ था बट अगर हम बात करें आज से यहाँ पर डेली बेसिस पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक्स भी यहां पर डेली बेसिस पे दिए जाएंगे जहाँ पर आप इंटर करके पैसे कमा सकते हैं और टेक्निकल हम आपको सिखाई रहे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाइएगा प्ले लिस्ट पर, पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेक्निकल की यहाँ पर दे रखी है प्ले लिस्ट जाके यहाँ पर टेक्निकल की प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा एज वेल एज कल यहाँ पर टेक्निकल का पार्ट थ्री आया था तो इसे भी जाके देख लीजिएगा किस तरीके से सीक्रेट ट्रेन लाइन को यहां पर किया जाता है, को किस तरीके से बताते हुए तो, तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते है जानते हैं आज निफ्टी में मार्केट में क्या होता हुआ नजर आया और किस तरीके से जो हमने आपको सीक्रेट ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन सिखाई है उसके बेसिस पे आप अगर चीजें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर काफी कुछ आप आपको सीखने को मिलेगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे डेटा तो एफ आईज ने जुलाई को यहाँ पर बाइंग करी थी तो लोग सोचे बाइंग करनी शुरू कर दी है एज वेल एज यहाँ पर देखिए जब एफ आई बाइंग करते हैं तो डी आई सेल करते हैं इस चीज को याद रखिएगा अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक ही काम होता रहेगा दो, दोनों लोग खरीदते रहेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है ये फ्यूचर में भी याद रखिएगा ओके okay. तो कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई यहाँ पर बेच रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदा जा रहा होगा एज वेल एज सिक्स जुलाई पर कल के दिन में पर अगर हम देखें तो एफ आई ने थोड़ा सा ही माल बेचा ज्यादा पर नहीं बेचा बट अगेंस्ट में ने अच्छा खासा हंड्रेड करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर अः यहाँ पर ने ने माल उठाते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लग रहा है कि एफ धीरे धीरे करके अगर ये कम कर देते या फिर बाइंग करना शुरू कर देते तो अच्छा खासा हमें नजर आएगा कि मार्केट ऊपर हुआ नजर आएगा तो इसी के भरोसे अगर देखे दो दिन में तो दो दिन में यहां मार्केट में क्या होता हुआ नजर आया तो दो दिन में मार्केट में होता हुआ यह नजर आया कि कल भी मार्केट भागता हुआ दिखाई दिया आज भी मार्केट अगर हम देखे तो आज भी मार्केट यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया कल की बात करें तो कल कर यहाँ पर मिनट आने उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें इसलिए हमने कोई ट्रेड भी नहीं लिया था बताया भी नहीं गया था बट लॉन्ग टर्म्स के अगर बेसिस पर बात करें तो मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया थोड़ा कंसोलिडेशन और एज वेल एज बात करें एक साइड बेस चलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी से रिलेटेड स्मॉल इंडेक्सेस से रिलेटेड सब चीज से रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है जो कि हमारा रेजिस्टेंस नजर आ रहा था या फिर कह सकते हैं डबल टॉप नजर आ रहा था तो इसे अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर चीजें ऊपर जा, जाती हुई नजर आएगी तो इसने कल की डेट में सक्सेसफुली यहाँ पर इसे क्लोजिंग देते हुए नजर आया और अगर क्लोजिंग देते हुए नजर आया तो उसके बाद पड़ाव क्या था उसके बाद पड़ाव था ये वाली लाइन को ऊपर जाना तो आज अगर देखेंगे इसे क्रॉस किया बट और नीचे भी आया तो कहाँ पर नीचे आया यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि चीजें अगर नीचे आती है इंटरडे बेसिस पे तो यहीं पर ही नीचे आई ओके और जब ऊपर जा रही है तो यहाँ से ही ऊपर जाती हुई नजर आएगी और अब यहाँ पर इस ये एक सब आ, यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है इसे क्रॉस किया तो सीधे सीधे यहाँ पर इस रेंज में जाता हुआ नजर आएगा सोलह चार सौ सो छिहत्तर और उसके बाद यहाँ पर सोलह आठ सौ सो तो इतने सटीक लेवल किस बेसिस पे दिए जाते हैं वो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है एज वेल एज कल की जो चीजें मैंने आपको बताई है कि, कि किस तरीके से इस सीक्रेट ट्रेंड लाइन और हॉरिजोंटल लाइन के थ्रू आप यहाँ पर ये यह लेवल्स निकाल सकते हैं जाके वीडियो को देख लीजिएगा आप कल की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजी मुझे नजर आती है ओके फिर भी डोजोन्स यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है तो बात अगर भागा तो यहाँ पर, यह पर नजर आता है सामने नजर आता है इस चीज को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में देखना है और इसके बेसिस पे अगर हम काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा ओके तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये रेजिस्टेंस है इसे क्रॉस कर देता अच्छी बात है ऊपर और नहीं करता तो याद रखिए चीजें यहाँ से टच करके फिर नीचे आके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज या दूसरा मैंने जो बॉक्स थ्योरी थी

किया, तो अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे सकती है हमें फ्यूचर में भी तो इसे देखिएगा इसके अलावा हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की निफ्टी स्मॉल कैप हंड्रेड को भी यहाँ पर देख लेते हैं देखिए निफ्टी स्मॉल कैप ने भी आज यहाँ पर क्या कर दिया है निफ्टी स्मॉल कैप ने यहाँ पर देखिए एक हैमर बनाया और यहाँ पर इसे क्रॉस करके जो ये लाइन थी रेजिस्टेंस की उसे क्रॉस कर दिया है अब इसके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है ओके अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है तो सीधे इस वाले बॉक्स में जाता हुआ नजर आएगा ओके और यहाँ पर भी क्रॉस कर देता है तो सीधे यहाँ पर रुकने वाला है सीधे नौ तक उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो अभी क्या हो रहा था अभी मार्केट

टॉप क्रिएट होगा राउंडिंग बॉटम ओके okay, जब राउंडिंग बॉटम तेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टॉक्स में केवल okay, बने रहना है पैसा अपने आप बनता रहेगा फिर इंटरेडे की भी जरूरत नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक अब बात करते हैं कुछ इंडेक्सेस की यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैंक में अच्छा खासा तेजी आती हुई दिखाई दी ओके बैंकिंग में यहाँ पर ये गिरता हुआ दिखाई दिया था और मैंने आपको बताया था जब ये कैंडल बनी थी कि इसके नीचे अगर क्लोज करे तो बेचना है याद रखिए मेरा लफ्ज देखिएगा सुनिएगा इसके नीचे अगर यहाँ पर अगले दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया तो बेचना है बट यहाँ कर इसके नीचे नहीं ऊपर बंद होता हुआ नजर आया एज वेल एज यहाँ पर इसके ऊपर ही नी, खुलता हुआ नजर आया तो याद रखिये यहाँ पर बाइंग बनती थी और यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस को निकाला

और ये किस तरीके से बनाना है अगेन बार बार बता रहा हूँ ये वीडियोस को देख लीजिएगा ये लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब चीज आपको पता चल जाएगी अब बात करते हैं कुछ और इंडेक्सेस की निफ्टी आई निफ्टी आई की बात करें लगातार यहाँ पर गिरावट थी गिरावट कंप्लीट हो चुकी है मोस्टली अब बात करें इसने अपना बॉटम भी क्रिएट कर लिया है अब चीजें ऊपर जानी है ओके okay, और यहाँ पर अगर बार बार आप देख रहे होंगे कभी यहाँ पर डोजी बना रहा है कभी किसी तरीके की डोजी बना रहा है इसके नीचे क्लोज हुआ तो याद रखिए गिरावट बट यहाँ पर अगर इस लाइन को निकालना बहुत जरूरी है ओके okay, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अट्ठाइस हजार पांच सौ पैंसठ का लेवल निकालना बहुत जरूरी है ये लेवल निकाला तो सीधे उनतीस हजार की जर्नी और फिर उसके यहाँ पर उनतीस हजार सात सौ तो ये लेवल्स की तरफ आपको ध्यान देना है ये लेवल इसलिए आपको डेली बेसिस बताए जाते हैं क्योंकि इन लेवल को देख के आप इन पर्टिकुलर सेगमेंट के स्टॉक्स देख के अच्छे खासे ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑटो यहाँ पर देखिए कल ब्रेक ब्रेकआउट ब्रेक यहाँ पर दे दिया था मैंने आपको लाइन ऑलरेडी खींच रखी थी यहाँ से ऊपर क्लोज हो तो अच्छी खासी तेजी होती

कहीं मात नहीं खाने वाले तो निफ्टी ऑटो यहाँ पर आपके लिए हो गया अब क्या, अब क्या क्या होता नजर आएगा तो यहाँ पर अगर कल के दिन में यहाँ पर तेजी हो गई तो याद रखिए यहाँ पर और ऊपर इंडेक्स जाके थोड़ा गिरता हुआ नजर आएगा अदरवाइज यहाँ से कल के दिन ये भी हो सकता है कि यहीं पर ही कुछ जैसे यहाँ पर एक कुछ कैंडल बनाई थी यहाँ पर भी कुछ कैंडल बनाता हुआ नजर आ सकता है बस तेजी करनी है तेजी पर 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 जब ऊपर जाए तो यहां पर उसके बाद ही आपको यहाँ पर तेजी करते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी मेटल निफ्टी मेटल में लगातार गिरावट थी आज एक न्यूज आती हुई दिखाई दी और न्यूज क्या थी चाइना लगभग बाईस करोड़ रुपए बाईस करोड़ डॉलर ओके बाईस डॉलर यहाँ पर बाईस हजार करोड़ डॉलर के आसपास ओके पर क्या करने वाला है यहाँ पर यहाँ बार -बार सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पर मेटल भी इसी तरीके से बिहेव करते हुए नजर आया तो लगभग तीन परसेंट चार साढ़े तीन परसेंट चार परसेंट की जम थी और देखिए ट्रेंडिंग लाइन सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्क देखिए ये लाइन पहले खींच रखी तो यहाँ पर देखिए इसी को टच किया यहाँ पर टच करके नीचे आती हुई दिखाई दी अब क्या अगर इधर से तेजी होती है तो यहाँ पर आपको फिर तेजी करके चलनी है इसके दूसरे स्टॉक्स में जो कि मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ और सीधे यहाँ पर आके ये चीजें रुकने वाली है या फिर यहाँ पर आके रुकने वाली है ये दो ही लेवल है और कहीं लेवल दिखाई नहीं देते तो ये इसके बाद चीजें नीचे, नीचे आके या फिर ऊपर नीचे जगह यहाँ पर चीजें चलती हुई दिखाई दे सकती है जल्दबाजी करनी नहीं है सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड लेना है

यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मैंने आपको कल सिखाई है ओके शार्प भी किस तरीके शार्प वी किसे यहाँ पर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है बट इसे तेजी करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस ऊपर जाना बहुत जरूरी है जो कि जाता हुआ दिखाई भी देता है बट यहाँ पर गिरावट भी दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पर बनता है, शूटिंग जब शूटिंग बनता है है शूटिंग शूटिंग स्टार स्टार जब कल के दिन में अगर इसका लो टूट जाता है तो चीजें यहाँ तक आ सकती है इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है चीजें यहाँ से फिर दोबारा भागती हुई नजर आ सकती है याद रखिये तो थोड़ा ऐसा नहीं है लगातार तेजी होगी भागा फिर नीचे आया फिर भागा फिर नीचे आया तो यहाँ पर इसे ही कहते हैं लोअर हाइस बनाना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाईज़ बनाता हुआ नजर आएगा ये हाई बनाया ये लो बनाया फिर इसके बाद इसने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाई बनाया फिर इसके बाद ऊपर एक हाई बया बनाया फिर यहाँ बनाया फिर हाई यहाँ हाई बनाया तो चीजें इसी तरीके से काम करती हुई नजर आती है अब बात करते हैं फार्मा की फार्मा आपके सामने है यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मा भी कुछ जैसा ये बना रहा है मैं जैसे कि बता चुका हूँ छह महीने से एक साल के अंदर अंदर फार्मर लीड करते हुए नजर आ सकता है इसे इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है जो कि इसके लिए काफी इंपोर्टेंट है और फिलहाल के लेवल की बात करूं तो यहाँ पर इसने आज भी डोजी बनाई है ओके यहाँ पर अगर डोजी लो तोड़ देता है तो गिरावट होती नजर आएगी ओके जो इसे यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ तक लेके आ सकती है अदरवाइज यहाँ पर बारह का लेवल तोड़ा तो सीधे मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये शेयर जाता है निफ्टी फार्मर जाता हुआ और इसके अगेंस्ट में इसके जो स्टॉक्स है वो भी भागते हुए

टाटा पावर टाटा पावर में तो आज नेगेटिव न्यूज भी आई है कि यहाँ पर इनके सीबीआई ने पांच सीनियर लेवल के बंदों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है गिरा नहीं आट गिरता हुआ नजर आ सकता है और आईएक्स की बात करें तो आईएक्स तो यहाँ पर मैंने आपको ही दिया था कि यहाँ पर गिरता है तो अच्छा है दो चार पांच रुपए नहीं देखे जाते फिर यहाँ पर बाइंग कही जाती है सिंपल तो ये कहा जा सकता है इसको यहाँ पर इस लेवल को इस लाइन को क्रॉस करना बहुत जरूरी है तब तेजी होगी अदरवाइज यहाँ पर नीचे आ सकता है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा हमारे इस चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट करिएगा और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह आपको वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस